6 साल पुरानी रखी हुई है, सिलने में ही नहीं आ रही। इस शर्ट की फाइनल लुक देख के ना तो आप लोग हैरान ही रह जाएंगे। कपड़ा जैसा मर्जी हो, 4 चांद तो सिर्फ आपने ही लगाने। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अच्छा, काफ़ी लोगों को ना सिल्क का कपड़ा संभालने में, उसको कटिंग करने में बहुत मसले होते हैं। अच्छा जी, चलें जी अपने पुराने सुड़ाने कपड़े जितने भी रखे हुए हैं ना वो निकाल लें। मेरा भी ना 6 साल पुराना सूट है, परेशान नहीं होना। 6 साल पुरानी रखी हुई है, सिलने में ही नहीं आ रही थी। अगर आप लोग मेरे न्यू व्यूवर्स हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें अब हम वो मिलकर स्टार्ट करते हैं। निकाल लें आप लोग अब वो वाले अपने कपड़े जो आपका दिल नहीं करता और सालों पुराने रखे हुए हैं। मेरे पास एक सिल्क की शर्ट रखी हुई है जो कि इसको 5 साल हो गए हैं लेकिन दिल ही नहीं करता था। ये है मेरे पास सिल्क की शर्ट जो कि ये ग्रे कलर है, डार्क ग्रे। ये इसका फ्रंट है, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में ये इसका फ्रंट है और ये इसकी बैक है। या ये फ्रंट बना लें, वो बैक बना लें और ये इसकी स्लीव्स हैं। ठीक है, तो अब इसको कटिंग करते हैं। सबसे पहले इसको आपने इस्त्री करके कटिंग करना है। ये बहुत मुश्किल है, बड़ी गनीमत है भाई अगर ये सिल जाए तो। लॉन्ग शर्ट और ए लाइन हल्का सा टच दूंगी ना, फिर आपके सामने कटिंग करती हूँ। जी तो सबसे पहले आपने ये करना है कि इनकी क्रीज़ बना लेनी है। इसका आपने दरमियान देख लेना है सिल्क का, हमेशा कोई भी कपड़ा हो आपने क्रीज़ बना के फिर ही कटिंग करना है। अच्छा, ये इसका फ्रंट था और दूसरी बैक। फ्रंट को मैंने फ्रंट ही बनाया, वरना आप आगे पीछे कर सकते हैं, बैक फ्रंट पे, फ्रंट बैक पे भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, मुझे ना ये बहुत अच्छा लगा था ये शर्ट पीस, तो ही मैंने ले लिया था। मैं 5-6 तो ऐवें बोल रही हूँ, ये कहीं 7 साल पुराना है। मुझे अभी याद आया कि शादी के बाद लिया था ये शर्ट पीस, तो काफ़ी टाइम हो गया इसको। अच्छा, सबसे पहले ये है कि हम ना शोल्डर ज़्यादा वो नहीं रखेंगे कि गिरे हुए हों। 7.5 रखती हूँ मैं अपना, लेकिन ये ढलकता हुआ कपड़ा है, सिल्क का है, तो ये 7 इंचेस रखूँगी, 7 इंच। ठीक है, और ऊपर से नीचे तक की जो अब लंबाई रखनी है वो 9 इंच की मैं रखूँगी। ज़्यादा फिटिंग में नहीं होने चाहिए कपड़े, मैं भी आपको यही कहूँगी कि फ़िटिंग में ज़्यादा नहीं पहना करें। तो इससे ये होता है कि दुपट्टा ना बहुत ज़्यादा संभालना पड़ता है, आप फिटिंग में कपड़े पहनते हैं ना। अच्छा, जो लंबाई रखी है ना, मैंने 9 इंच की लंबाई रखी है, और यहाँ से आपने जो गुलाई देनी है, यहाँ से 1.5 इंच की आपने गुलाई देनी है। कॉर्नर से आप देख लीजिएगा इंची टेप से, 1.5 इंच होना चाहिए इसकी आपने गुलाई दे लेनी है। और उसके बाद ये जो चेस्ट है ये मैं 9 इंचेस पे निशान लगाऊंगी। तो ये मीडियम साइज़ की शर्ट है, मीडियम वाले लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लें, बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन बनने वाला है। और ये साइड सिलाई की जो लंबाई है ना, ये मैंने 11 इंच की दी है, और ये हिप जो है 10.5 इंच। इस तरह आपने इसकी कमर की शेप नहीं देनी इस शर्ट की, चेस्ट से हिप तक आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। हल्की सी ए लाइन शेप देंगे शर्ट की, तो जितने आपके हिप होंगे, हिप साइज़ होगा मतलब मेरा ये कहने का, उतना ही आपने ना नीचे से जो शर्ट का बॉटम है उससे 1.5 इंच बढ़ा के आपने निशान लगा लेना नीचे तक। ठीक है, अब आपने इसको बिल्कुल निशान पे आपने कटिंग कर लेना है। ये ना पंखे में बहुत उड़ता है, मैं कुछ भी कटिंग करती हूँ ना, कोई भी फैब्रिक हो, भावें उड़े या ना उड़े, मैं पंखा बंद करके ही करती हूँ जितनी भी गर्मियाँ हों। अगर आपकी कटिंग ठीक होगी ना, परफेक्ट होगी, तो आपकी स्टिचिंग भी लेवल की होगी। जाहिर है आधा आधा इंच छोड़ के ही आपने कटिंग करनी है और क्या। तो ये मैंने फ्रंट की कटिंग कर ली थी 1/2 इंच अंदर रख के, और ये जो फ्रंट की कटिंग की है ना मैंने, इसकी ऊपर से भी कटिंग करनी है अपने शोल्डर की एक्स्ट्रा। तो ये जी कट मैं साथ साथ लगा लेती हूँ। ये मैं देख रही थी कि ना पिछली साइड पे निशान लगा हुआ है कि नहीं, वरना फिर ये है कि दोबारा ना बार बार रख रख के नापो और निशान ही लगाते रहो, इतना टाइम वेस्ट होता है और कपड़ा अलग इतना हिल रहा होता है। ये सिल्क का मेरे ख्याल से ये मेरे पूरे यूट्यूब पर पहली शर्ट है मेरी सिल्क की जो मैं ये स्टिच कर रही हूँ, वरना मैं सिल्क के कपड़े बहुत ही मुश्किल ना, मतलब लेती ही नहीं हूँ सिल्क एक तो, और दूसरा ये तो रखी हुई थी तो मैंने सोचा आज निकाल लूँ। चौड़ाई जो मैं रख रही हूँ ये 9 इंच पे मैंने निशान लगाया है,
और यहाँ से आपने 4 इंच पे निशान लगाना है। 4 इंच आपने तो छोड़ने हैं, 4 से कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो इसकी कटिंग ठीक नहीं होती। इस तरह आपने इसको मार्क कर लेना है। आप लोग देखें किस तरह मैंने मार्क किया हुआ है, ज़्यादा ही गुलाई नहीं मैंने दी हुई, हल्का सा गुलाई देने से पहले मैंने कर्व दिया हुआ है नीचे वाली साइड पे। और यहाँ से मैंने 8 इंच पे ऐसे निशान लगाया था। 8 इंच पे निशान लगा के आपने पूरा इसको ऐसे कटिंग कर लेना है नॉर्मल। अब जो है स्लीव्स आपने ये खोल लेनी है, मतलब ये कटिंग करने के बाद खोल के ना आपने फ्रंट साइड की कटिंग देनी है, थोड़ी सी गहरी कटिंग, 1/2 इंच की दे लीजिएगा। ये देखें दोनों को बराबर रख लिएगा, अगर ना रखे जाए, जाहिर है सिल्क है तो अलग अलग काट लें आप। अच्छा ये जो शर्ट है ना, ये देखिए ये है इसकी फ्रंट साइड, शॉपर में मैंने डाल ली है, ये इसकी फ्रंट साइड है। इसकी फ्रंट साइड पे अच्छा मैं सोच रही हूँ कुछ डिफरेंट हो जाए। अच्छा ये ना गला मैं लेकर आई थी, ये सिर्फ और सिर्फ ना ये मुझे 60 रुपये में मिला था। ये देखें 60 रुपये में मुझे ये मिला था। ये जो स्टॉल नहीं लगे हुए होते बुद्ध बाज़ार से, ये मैंने लिया था। मुझे कोई ना कोई चीज़ मिलती है ना तो मैं उठा लेती हूँ, बिला वजह की भी होती है ना, मेरे काम की नहीं भी होती, मतलब यूज़ में नहीं आनी होती, फिर भी मैं ना लेके रख लेती हूँ स्टॉक में ना। तो इस पे ना ये मैं एप्लिक करवाऊँगी, चलें एप्लिक वाले के पास मैं जाती हूँ। ये गला ना थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, तो थोड़ा सा ना मैं 1-1.5-1.5 इंच छोड़ के यहाँ से फिर मैं एप्लिक करवाऊँगी। राइट, आपने देख लेना यहाँ से साइज़ अपना गले का। तो ये इस तरह मैं एप्लिक करवाऊंगी। तो अब मैं लेके चलती हूँ एप्लिक वाले के पास, तो फिर वहाँ से इसको करवा के लाती हूँ, हाथ के हाथ ही अगर दे दे तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए जी ठीक है, फिर मैं दिखाती हूँ आपको एप्लिक करके। इसने ना ये जो मैं लेकर गई थी एप्लिक के लिए गला देख के, इसने तो मना कर दिया था कि ये नहीं होगा, लेकिन मैंने 1-2 दफ़ा बोला, मैंने कहा कर दें प्लीज़, जितने आप पैसे बोलेंगे मैं दे दूँगी, लेकिन बेचारे ने 150 रुपये ही बोले तो मैंने इतने ही उसको दिए। बहुत अच्छा उसने एप्लिक किया, इसमें उसका काफ़ी दफ़ा धागा टूटा है। ये कराची में भी मैंने कोशिश की लगवाने की, लेकिन यहाँ पर तो मना कर दिया सब ने भाई साफ के, हमारी सुई टूट रही है फलां ढमाका। ये है कि जान पहचान वाले हमारे मोहल्ले का है, तो ईज़िली मेरा काम हो गया था। मैं अम्मी के घर गई थी फैसलाबाद, तो वहाँ से मैंने बोला कि मौका अच्छा है तो यहीं करवा लूँ। और मज़े की बात यह है कि मैं कुछ सामान ना अपना ले गई थी कराची से फैसलाबाद, कि जो यहाँ काम नहीं होता मैं वहाँ करवा लूँगी अगर पॉसिबल हुआ तो। लेकिन यह है कि ये राज़ी हो गया था एप्लिक करने में, तो इस तरह एप्लिक इसको अटैच करके उसने फिर इसकी कॉर्नर्स काटे, पूरा एप्लिक किया बड़े नफासत के साथ ना, बहुत अच्छे से। तो ये मेरा हो गया था तैयार। अच्छा ये जो गला इसने चिपकाया है ना, पहले UHU से सारा लगा लिया था, फिर उसके बाद मशीन से इसने स्टिचिंग की सारी, ऊपर से इसको जोड़ा, तो बड़ा अच्छा सा हो गया था काम मेरा। मेरी शर्ट हो गई थी तैयार। इसका गला ही बहुत मुश्किल होता है कि अलग से आप बनाएं, तो बेहतर यही है कि सिल्क के कपड़े में आप गला अलग से ले कर एप्लिक करवा लें। ये उसके ज़िम्मे है कि उसने किस तरह एप्लिक करना है, क्या करना है क्या नहीं। तो ये हो गया था मेरा गला रेडी। तो इसके बाद ये है कि आपने शोल्डर्स जोड़ लेने हैं। सबसे पहले मैं शोल्डर्स ज्वाइन करूँगी। उस शोल्डर्स ज्वाइन करने के बाद मैं पीछे का जो गला है वो कटिंग कर लूँगी। 2.5 इंच की लंबाई मैंने ली थी, ज़्यादा डीप मत रखिएगा, सिल्क की कुर्ती है, गला जो है आगे की तरफ पीछे की तरफ दाएँ बाएँ ऐसे ढलकता है अजीब सा, तो गला छोटा ही रखा करें सिल्क का ना, या तो बैन वाला रख लिया करें, वो जो कॉलर होता है पूरा। तो अच्छा आपने हमेशा ख्याल रखना है कि ना पीछे के गले के लिए आपने मगजी हमेशा उरेब में लेनी है, सीधे कपड़े की मगजी कभी भी नहीं लगेगी, गुलाई से उरेब में लेनी है आपने हमेशा। अच्छा आपने ना सुई का भी ख़ास ख्याल रखना है सिल्क की कुर्ती में, कि सुई आपकी ना ठीक होनी चाहिए, वरना कपड़ा बहुत ख़राब करती है सुई, बहुत काम ख़राब करती है, कपड़े की ऐसी की तैसी हो जाती है सुई। आप बेहतर यही है कि न्यू लगा लें या चेक कर लें एक्स्ट्रा फैब्रिक पे, तो फिर अपना काम स्टार्ट करें। अच्छा इस तरह ना मैं ये रख के ये पूरी मगजी इस तरह लगा लूँगी, मगजी भी कहते होते हैं इसको, पाइपिंग भी कहते होते हैं। अच्छा पुरानी जो वीडियो थी ना, ये येलो चादर से पहले वो कराची की थी, तो ये येलो वाली चादर की फैसलाबाद की है, और अब ये जो चादर ये जो चादर है दिख रही है ना आपको, ये कराची की है। मतलब इतने महीने हो गए थे इसको सिलते 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 कि मैं ना बस क्या बताऊँ। लंबे लंबे चाक अगर आपने रखने हैं, उनको आपने अगर कवर भी करना है, लंबे भी चाक रखने हैं, तो वो क्या तरीका होना चाहिए। अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक आपने जो सिलाई बंद रखनी है वो 10 इंच की आप रख लीजिएगा, 11 है ये, 11 इंच है।
और यहाँ पे जब हम डोरी पाइपिंग करेंगे ना, उससे पहले हमने एक इंच या डेढ़ इंच के गैप से ना यहाँ पे हमने, ये मैंने उरेब में ये कपड़ा लिया है, इसकी हम डोरी बनाएंगे। यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूँगी बारीक सी, पूरी इसकी डोरी हम निकाल लेंगे। इस तरह मैंने सिलाई कर ली थी। अब आपने इसको साइड साइड से इस तरह सिर्फ दो डोरियों के ना बराबर आपने निकालनी है ताकि दो बन सके। अच्छा, डोरी निकालने के लिए ना आपने इसका सिरा लेना है। सिरे से आपने ऐसे जब गुजारेंगे ना, और ये जो गिरा है इसको ज़रा सा ऊपर करके इसके अंदर से सुई गुजारनी है, ये हो जाएगा लॉक। तो फिर आप इजीली उल्टी सुई डालनी है। अब आपने ना सीधी नहीं डाली वरना फंसती रहेगी इधर उधर इधर उधर, निकल जाएगी कपड़े से। ये उल्टी सुई मैं लेके जा रही हूँ। यहाँ इसको बड़े प्यार से थोड़ा थोड़ा सा ऐसे अपने नेल्स के साथ ना, नेल्स भी बहुत काम आते हैं आपके स्टिचिंग में, इस काम में बहुत ज़्यादा। तो इस तरह मैं कभी कभी ना बढ़ा लेती हूँ नेल्स अच्छे भी लगते हैं। मेरा हाथ जो है ना, मैं साफ बात बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे जो हाथ है ना, इतने बड़े बड़े मर्दों वाले हाथ लगते हैं मुझे। थोड़ा सा उनको ना लड़कियों वाला शेप देने के लिए हाथों को तो नेल्स बड़े करती हूँ, वरना मुझे नेल्स इतने कोई पर्सनली पसंद नहीं है। अच्छा, ये हमारी डोरियाँ बन गई थी बातों बातों में। अगर आपको लगे कि स्पीड वीडियो की तेज़ है तो आप स्पीड कम कर लीजिएगा अपने वीडियो की सेटिंग में जाके। अच्छा, ये देखिए कपड़ा जो देख रहे हैं आप, कतरा नहीं बची हुई थी थोड़ी थोड़ी सी, तो बस क्या करूँ, मुझे पलटावा लगाना है। मैंने पीछे बोल दिया था कि डोरी पाइपिंग करनी है, मुझे डोरी पाइपिंग नहीं करनी, मैं पलटावा लगाऊंगी चाकों पे। दामन के लिए भी नहीं है, इतना कपड़ा है ही नहीं इसमें कि मैं दामन पे भी लगा सकूँ। अच्छा जी, इस तरह ये कि यहाँ से हम ये पलटावा लगाना स्टार्ट करेंगे, तो उसके डेढ़ इंच के गैप से ना मैं ये लूप लगाऊंगी जो मैंने बनाया था। अच्छा, ये जो लूप आप लगाएंगे ना, ये फ्रंट वाली साइड पे आपने लगाने हैं, जहाँ ये गला मैंने लगवाया है उस साइड पे आपने ये लूप्स लगवाने हैं कह रही हूँ, लगाने हैं। अच्छा जी, ये देखें, मैं आपको ये पलटावा लगाने का तरीका बता दूँ। इस तरह आपने एक साइड इसकी ऊपर से हटा के, ये आपको चाक की एंडिंग दिख रही होगी जहाँ से ये पक्का हुआ हुआ होता है हिप वाली साइड से, यहाँ आपने ये कपड़ा ऐसे फोल्ड करके रखना है। यहाँ से डेढ़ इंच पे मैंने सिलाई लगा ली थी, अब आपने ये लूप फोल्ड करके अंदर दबा के यहाँ इसको पक्का कर लेना है। फिर बिल्कुल सीधी आपने सिलाई लगा देनी है। डोरी पाइपिंग के लिए अगर कपड़ा कम है तो इस तरह सिंगल कपड़ा रख के उसको एक साइड से आपने फोल्ड करना है। अभी वैसे मैं दूसरा तरीका भी इस्तेमाल करती हूँ पलटावे के लिए। इस तरह ये लगाने के बाद आपने इसको यहाँ से डबल फोल्ड कर देना है। अच्छा, जो मेरा दूसरा तरीका है ना पलटावा लगाने का, वो मैं डबल कपड़े से लगाती हूँ, तो यहाँ से जो मैं फ़ोल्ड किया है ना अंदर कर रही हूँ बार बार, उसमें वो नहीं करना पड़ता। सिर्फ एक दफ़ा ऐसे फ़ोल्ड करो और सिलाई लगाते रहो। चाक तैयार हमारे हो जाते हैं, यहाँ भी आप ये लगा लिएगा, ठीक है, ये मैं बाद में लगा लूँगी। सबसे पहले मैं आपको इस स्लीव्स का बता दूँ। ये हमारे स्लीव्स हैं, जो कि ये इतना पेंडिंग पे पड़ा रहा है, मैंने ये पांचवी दफ़ा कहीं वीडियो बना रही हूँ। चार महीने पहले मैंने कटिंग किया था, रख दिया था ये, तो अब ये कि अब मैंने निकाला है। पहले भी मैंने निकाला था ये, कहीं एक महीना पहले स्टिच किया था थोड़ा सा, फिर उठा के मैंने रख दिया था। इसी लाइन पर आप लगा लीजिएगा और उसके साथ आपने ये बेल रख के लगानी है। यहाँ ऐसे बेल रखिएगा और इस तरह यहाँ सिलाई करके इसको फिर बैक साइड पे ऐसे फोल्ड कर देना है आपने। प्यारा ना, ये मेरे पास सीपियाँ हैं, तो ये हैं तो टसल, वैसे फ्रंट साइड पे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें से मैं निकाल के ना 1 2 3 4 5 5 हैं, तो ये मैं राइट पे लगा दूंगी और ये लेफ्ट पे। अच्छा, सबसे पहले हम इसको सिलाई कर लेते हैं दोनों आस्तीनों को।
सिल्क के सूट पे, ख़ास करके शर्ट पे ना, आप लोग आस्तीनों पे कोई ना कोई बेल लाजमी लगाया करें। पता है वो फिर थोड़ा सा ढलकता होता है ना, बड़ा प्यारा लगता है, वरना तो इधर उधर उड़ती है थोड़ा सा ना, मतलब समझ रहे हैं ना, थोड़ी सी लुक बड़ी बड़ी प्यारी सी बन जाती है। अच्छा जी, ये जो है ना शर्ट, शर्ट की ना दामन पे उरेब था बहुत ही ज़्यादा ना, इतनी मुश्किल से मैंने नीचे से कहीं फोल्डिंग की है ना, उसी कपड़े को मैंने फ़ोल्ड कर लिया था। जाहिर है वो था नहीं फैब्रिक एक्स्ट्रा जो मैं पलटावा लगा सकती। ये देखें कुछ इस तरह से ऐसे कान आ रही है, ये देखें, ये मैं खींच रही हूँ ना, ये सीधा नहीं हो रहा, अंदर की तरफ कपड़ा जा रहा है। तो बहुत मुश्किल से मैंने सिलाई किया था, एक जगह से चुन भी आई है, ज़ाहिर है उरेब है, बड़े बुरे तरीके से ना, मतलब ये बड़ी मुश्किल हुई है मुझे फ़ोल्ड करने में। खैर, ये हो गया था हमारा शर्ट का मेन मरहला कंप्लीट। और इसके बाद जो है, इसके बाद हम ये करेंगे कि आस्तीनें जोड़ लेंगे पूरे राउंड में। शर्ट हो गई है रेडी। अब इस पे जो हमने फाइनल टच देना है वो इसके हमने गले पे स्टोन्स लगाने हैं। जब यूज करें ना इसको तो टाइट बंद करके रखेंगे, लेकिन सारी ना ये आगे चिपकी हुई है। स्टोन्स लगाने के लिए ये जो ट्यूब है ये बेस्ट ट्यूब है, मैं यही रेकमेंड करूँगी। ये आप नाखून से जितना मर्जी स्टोन को उखेड़ें वो नहीं उखड़ता, बहुत अच्छी इसकी कवरेज है, बहुत ज़बरदस्त। और ये है कि ये फ्रंट पे जो मैं स्टोन्स लगा रही हूँ, ग्लू का यूज़ कर रही हूँ, ये लगाने से पहले ना आपने अंदर कोई शॉपर रख लेना है, कोई प्लास्टिक का ना, तो ताकि वो गला चिपके ना, वरना बहुत बुरा चिपकता है कपड़ा, उतरता नहीं है और निशान अलग रह जाता है। बहुत एहतियात से आपने ग्लू यूज़ करनी है। और इसके बाद ये है कि हम, ये हो गए तो हमारा गला तैयार, तो हम बटन्स लगा लेंगे। सुई आपने ऊपर से ही डालनी है, नीचे वाली साइड से आप नहीं करिएगा वरना वो गिरा नज़र आएगी। ऊपर से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो ऊपर पर्ल आएगा वो उसके अंदर ही छुप जाएगी गिरा, तो इसलिए आपने ऊपर से ही लगाना है स्टार्टिंग जो करनी है। अच्छा, इसके बाद ये कि मैंने ना दोनों बटन्स लगा लिए थे। अच्छा, ये जो छोटी छोटी बारीकियों वाली चीज़ें हैं ना, ये हैक्स आपको कोई भी नहीं बताता, पूरी वीडियो डिटेल में कोई भी नहीं देता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छुपाते हैं चीज़ों को कि हमसे ज़्यादा कोई सीख ना जाए, लेकिन सामने वाला जितना सीखेगा सदका जारिया ही है, आपको ही सवाब मिलेगा। तो ये मत सोचा करें कि हमसे ज़्यादा कोई सीख जाएगा, आप सिखाएं, आप अपना काम करें, अल्लाह ताला आपको बेइंतहा तरक्कियां देगा अगर आपकी ये सोच होगी तो। अच्छा, ये जो मैं लगा रही हूँ ये सीपियाँ हैं जो कि ये कराची में ही मिलती हैं, और ये मैंने ली थी संडे बाज़ार से ली थी। ऐसी चीज़ें ना बहुत यूनिक यूनिक सी चीज़ें ना उस बाज़ार में मिल जाती हैं। ये पूरा टसल बना हुआ था ना, दो तीन करके मैंने ऐसे ले लिए थे। मैंने कहा चलो अभी इस्तेमाल में नहीं है, बाद में आ ही जाएगा इस्तेमाल में, ये भी काफ़ी टाइम से ना पड़े हुए थे, मैं लेके रख लेती हूँ कोई ना कोई चीज़। अच्छा जी, सबसे पहले, अच्छा ये मैंने खोल ली थी सारी चीज़ें, ठीक है पूरा टसल मैंने खोल लिया था। और इसका लगाने का ये तरीका है कि इसी तरह ही लगाएं, ये एक मोती है, फिर सीपी भरी है, फिर मोती है ना, इसी तरह इसमें ये पहले से ही ये सुराख ऐसे हो, ठीक है। तो इसी तरह ही जो मैंने तैयार किया है, इसी तरह ही हम दूसरी आस्तीन भी ऐसे तैयार कर लेंगे। ले जी, ये शर्ट हो गई थी रेडी, कुछ इस तरह से मैंने तैयार की थी। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसकी डिटेल मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से मैंने ये सीपियाँ जो लटकी हुई इस तरह से लटकाई हैं। आगे इस मैंने बेल अटैच की है अंदर पलटावा लगा के, ठीक है। और जी, ये हमारी हो गई थी स्लीव्स, बहुत ही प्यारी, मतलब एक ना ये सिल्क है तो एक बेल इस तरह लगाएं, थोड़ी सी ना हैवी लुक का है, ताकि ये ना उड़े ना हवा में, लटका ही रहे, ढलकता रहे। अच्छा, इसके गले की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए, ये जो गला है ये मैंने एप्लिक करवाया था, एप्लिक के साथ जो अंदर इसके ये सर्कल्स दिए हुए थे, ये यहाँ मैंने ये वाले स्टोन्स इसके साथ लगाए, ये मैंने स्टोन्स लगा लिए थे जो मैं लेकर आई थी। और ग्लू बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही फिट है, ये उतरेंगे ही नहीं।
बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से ना ये जुड़े हुए हैं स्टोन्स। एक लड़की कह रही थी कि ना ये झड़ जाएंगे, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं झड़ेंगे। हम लोग इतने इतने महंगे कपड़े लेते हैं उनके झड़ जाते हैं, ये मैं कहती हूँ ये नहीं झड़ेंगे। बहुत ये ना वो लगे हुए हैं मज़बूती से, बहुत ज़्यादा। अच्छा ये इसका गला हो गया, ठीक है। और इसके साइड पे देखें, मैंने इस तरह से इसका ये चाक बनाए थे, इस तरह से देखें। अगर आप लोग बंद करना चाहें तो बंद कर लें, नहीं तो इसको खुला रहने दें। बस यहाँ से ये जो कपड़ा बहुत कम था, जिस तरह मैंने एडजस्ट किया ना, ये मुझे ही पता है। ये पलटावा मैंने लगा लिया था सिर्फ चाकों पे। दामन जो है, दामन को मैंने उसी को ही ऐसे फोल्ड कर लिया था। बहुत ही प्यारी ना शर्ट रेडी हुई है। अच्छा जो सिल्क की शर्ट होती है ना, सिल्क के जो कपड़े होते हैं, इनमें ना आप लोग लाजमी ये साइड बटन लगा लिया करें। ये जो गला इधर उधर होता है ना, अंदर की तरफ जो बटन लगता है, आप लोग वो लाजमी लगा लिया करें। क्योंकि ना ये बहुत ही शर्ट जो है, कभी इधर कंधे से होती है, कभी उधर होती है, वो अजीब सा लगता है, ऑकवर्ड सा। तो आप लोग ना अपनी आसानी के लिए, मतलब कंफर्टेबल रहता है, बेफिक्री रहती है, यहाँ बटन लगे होते हैं इनर स्ट्रिप्स के लिए आपकी, समझ जाए ना बस, ठीक है। तो अभी मैं वो लगा लूँगी। चलिए जी, अब मैं आपको ना इसको पहन के दिखाती हूँ कि ये पहनावा कैसा लग रहा था। रेंज ये मैं ड्रेस ऐसे पहन चुकी थी, जो कि बहुत प्यारी इसकी ना सिलुक आ रही थी। ये सैंडल मैंने पहनी थी, जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा ये फेवरेट सैंडल है, बहुत प्यारी लगती है। इसका जो ये गला है, आप लोग ये देखें, इस तरह मैंने ऐसे स्टोन्स लगाए थे इसके फ्रंट पे, जहाँ जहाँ जगह थी हल्का फुल्का ना, इसको मैंने ज़रा फॉर्मल सा बनाया है। मतलब ये कि इस तरह फॉर्मल बनाया है कि कहीं भी ना पहन सकती हूँ मैं, बाहर जाने में या किसी पार्टी वेयर में भी, बर्थडे पार्टी में पहन सकती हूँ। और ये देखें साइड इसकी स्लिट्स, बंद करना चाहें आप लोग बंद कर लें यहाँ से, ये लूप है और ये टसल लगाया है, बहुत ही प्यारी लुक आ रही है। देखें आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सके। अपना अपने बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।